नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक खबर जो है, एक चीज़ जो है, लगातार हमको से जो है वो पूछा जा रहा है, हमें ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर एक कोई से, वो लोगों से पूछा जा रहा होगा जो पवन सिंह के टीम से ताल्लुक रखते हैं, जो पवन सिंह के समर्थक हैं और जो पवन सिंह के साथ रहते हैं। जी हाँ, और वो ये सवाल है कि भाई अमित सिंह क्या पवन सिंह के साथ नहीं है? क्या अमित सिंह को जो है पवन सिंह का मैनेजर से हटा दिया गया है? ये सवाल हर एक किसी के साथ पूछा जा रहा है। और मैं तो यहाँ तक देखा कि कई लोग जो हैं, कई रिपोर्टर जो हैं, इसके बारे में न्यूज भी बना चुके हैं कि अमित सिंह अब नहीं रहे पवन सिंह के मैनेजर। जी हाँ, वही अमित सिंह जो पवन सिंह के बैक बोन है, यानी कि कह सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी है, वही अमित सिंह जिसको पवन सिंह मैनेजर ही नहीं अपने भाई मानते हैं। तो क्या ये सच है कि पवन सिंह जो है अमित सिंह जी को अब जो है अपने टीम से बाहर कर दिए हैं? तो इसका जवाब एक शब्द में है, नहीं, और ये कभी भी हो नहीं सकता। जी हाँ, वो बात अलग है कि अभी जो है काम पवन सिंह जी का ज़्यादातर, मतलब लाइम लाइट में जो है वो दीपक सिंह नज़र आ रहे हैं। आप लोग देखे होंगे, देखिए पवन सिंह के तीन मैनेजर हैं, बिक्की सिंह, दीपक सिंह और अमित सिंह, जिसमें से अमित सिंह जो हैं वो सबसे मुख्य किरदार निभाते हैं पवन सिंह के हर एक प्रोजेक्ट में। और आज भी अमित सिंह जो हैं वो सबसे मुख्य किरदार निभा रहे हैं पवन सिंह का प्रोजेक्ट में। हाँ, इतना ज़रूर है कि पवन सिंह को जो आना जाना या पवन सिंह के साथ कोई भी मतलब फंक्शन हो या किसी शो हो, वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। इसका कारण है कि दीपक सिंह पहले से नियुक्त किए गए थे, किस लिए? स्टेज शो के लिए, फंक्शन के लिए। लेकिन दीपक सिंह पहले पटना रहते थे तो पवन सिंह के साथ नहीं रहते थे, फिर अमित सिंह को ही सारा काम देखना पड़ता था। लेकिन अभी जो है अमित सिंह क्या कर रहे हैं कि अमित सिंह नए नए प्रोजेक्ट को ला रहे हैं पवन सिंह के लिए। जो आप लोग को लगातार गाना दिख रहा है, लगातार फिल्म दिख रहा है, या जो बड़े प्रोजेक्ट दिख रहे हैं जैसे टी सीरीज से तुम्हारे सिवा, इन सब में 75% क्रेडिट अमित सिंह को जाता है। और इसका श्रेय मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो कल गाना आया था, अभी आप जाके देखिएगा, वहाँ पे भी सहयोगी के तौर पे अमित सिंह और बिक्की सिंह डाला हुआ है। तो ये अगर कोई अफवाह मचा रहा है, फैला रहा है कि नहीं भाई पवन सिंह के टीम से निकाल दिया गया है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी भी पवन सिंह का 50% काम जो है वो अमित सिंह ही देख रहे हैं और अमित सिंह ही गानों का सिलेक्शन आज भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो आप लोग को हिट हिट गाने, हरी हरी ओढ़नी, धनी हो सब धन, लाल घाघरा, कमरिया पत्रे पत्रे, आटा का लोई, या आरा कभी हारा नहीं, तुमसा, तुम्हारे सिवा, ये सब किसका सिलेक्शन है भाई? तो अमित सिंह का। तो ऐसा भ्रम मत पालिए कि अमित सिंह निकल गए हैं, सारा काम अमित सिंह अभी भी दिख रहे हैं। बस ये है कि अमित सिंह ना तब दिखते थे पवन सिंह के साथ लाइम लाइट में, ना अब दिख रहे हैं, लेकिन दीपक सिंह अब दिख रहे हैं। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई भ्रम ना पालिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू।